अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो सारे? ठीक हो? अल्लाह के शुक्र और करम से मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप भी सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है, सुबह सुहानी सुबह का आगाज़ हो चुका है। तो ये देखिए कितनी सुहानी सुबह है, और देखिए और रोज़ की तरह मेरा गला आज भी बैठा हुआ है सुबह सुबह। और नमाज़ वगैरह बच्चों ने भी अदा कर ली और मैंने भी अदा कर ली है। अभी मैं जा रही हूँ नीचे नाश्ता बनाने के लिए और बच्चों के स्कूल के लंच बनाने के लिए। तो ये देखिए, और रात को मैंने पानी भर लिया था सफाइयाँ करने के लिए, ये टब मैंने भरा हुआ है और मैं वापस आके सफाई करूँगी, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम होता है। मैं पहले सफाई करती हूँ, फिर मनाल को स्कूल छोड़ के आऊँगी। तो मैं जल्दी से अपना काम शुरू करती हूँ ताकि मुझे देर ना हो। और नीचे के कुछ हालात आपको बताऊँ। ये वाला घर देखें कितना खूबसूरत पेंट हो रहा है, ये पेंट कर रहे हैं। और स्ट्रीट की कुछ हालात इस तरह से हैं, स्ट्रीट हमारी जो है वो पूरी जो है पानी से भरी रहती है। बादल हैं हल्के हल्के, देखें तो शायद आज सूरज निकल तो रहा है लेकिन बादलों का कुछ पता नहीं चलता। तीसरा दिन है तो धूप ज़रा कम ही निकल रही है, बादल ज़्यादा होते हैं। बारिश वगैरह तो अभी तक नहीं आई, अल्लाह का शुक्र है। तो बाकी ये है कि ठंड काफ़ी है, लेकिन बारिश के बाद, बारिश जब होगी ना उसके बाद तो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी। हो, फिर मुश्किल हो जाएगी थोड़ी सी। तो अभी भी मैंने स्वेटर पहना हुआ है, ये देखिए स्वेटर मैंने पहना हुआ है, ठंड है। तो मैं नीचे जाती हूँ, अपना काम शाम ख़त्म करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ स्कूल के लिए और मामा सफाइयाँ कर रही हैं। और मानो मैं दिखा देती हूँ, ये मानो क्या कर रही हो। मानो ने और हम लोग ने नाश्ता कर लिया और मानो अपना एग नहीं खा रही, बस मैं भी बाबा का वेट कर रही हूँ कि वो कब आएंगे और मैं स्कूल जाऊँगी। तो फ्रेंड्स, अभी ये देखें आप मिट्ठू, ये जो मिट्ठू है ये अभी उधर उधर वो बैठी हुई थी और ये बातें कर रहा था, अभी हंस रहे देखिए बेबी बन गए। ये देखें आपको नज़र नहीं आ रहा ना, देखें ये हमारा मिट्ठू है। और अभी मम्मा सफाइयाँ कर रही हैं, अभी मैं स्कूल जाऊंगी, फिर स्कूल में, फिर जब स्कूल से छुट्टी होगी तब आपको मिलूंगी, तब तक ये बाय। तो फ्रेंड्स देखें, मुन्नाल ने स्वेटर पहना है और बटन कैसे बंद किए हुए हैं, ये देखिए सही तो किए, सही कैसे किए ये रहा। छोड़ो छोड़ो, आपको मैं बताऊं कैसे। ये देखें, बचपन में हमने भी ये काफ़ी बार गलती की हुई है कि बटन हम उल्टे सीधे बंद कर देते थे, और आज मुन्नाल ने भी यही, और मुझे अपना बचपन याद आ गया। अक्सर मुझसे भी इसी तरह बटन ऊपर नीचे लग जाया करते थे। तो ये अभी आप बेटा सारे खोलो और फिर ऊपर वाला बटन बंद करो, फिर लगाओ। और मनाल रेडी नहीं हुई अभी, इशाल स्कूल चले गए। ये इशाल के 7:30 बजे उसके बाबा के ले गए थे, और मनाल का स्कूल अभी 8 बजे लग जाएगा, लेकिन मैं इसको लेट छोड़ के आऊँगी क्योंकि मैं अभी सफाइयाँ कर रही हूँ। ये देखें सफाइयाँ कंप्लीट नहीं हुई, तो मैं सफाइयाँ करके फिर इसको छोड़ कर आऊँगी तकरीबन 8:15 बजे तक। अभी मेरा ये सहन धोने वाला है, बाकी मैंने कम। तो फाइनली अब मैं मनु का स्कूल छोड़ने के लिए जा रही हूँ। तो मैंने कहा इसका टाइम हो चुका था, वैसे तो 8 o'clock इसका स्कूल जो है वो लग जाता है, असम्बली होना शुरू हो जाती है 8:15 तक जो है मैं इसको स्कूल तक पहुँचा देती हूँ। असम्बली अटेंड नहीं करती क्योंकि लेट हो जाते हैं हम अक्सर ही क्या, हम घर से ही देर से निकलते हैं तो लेट ही तो होंगे। ये है मन्नाल, अपना बैग घसीट के लेके जा रही है। तो
फ्रेंड्स अभी जो है दोपहर का टाइम हो रहा है और मैं नीचे जा रही हूँ सफाई खाना शाना पकाने के लिए। आज देखती हूँ मैं क्या सब्ज़ी बनाती हूँ, आटा वगैरह गूंथती हूँ। मैंने आटा ले लिया है, ये देखिए बड़ा हुआ है, इसको ले लिया है मैंने, गूंथती हूँ जाके और कोई वेजिटेबल वगैरह कुछ बनाती हूँ। तो देखती हूँ कौन सी वेजिटेबल पड़ी हुई है, मुझे लग रहा है गोभी पड़ी है, तो देखती हूँ गोभी के साथ किसके साथ बनाऊँ। अगर आलू वगैरह हैं तो आलू के साथ बनाऊँ, नहीं तो फिर सिंपल बनानी पड़ेगी मुझे गोभी। तो मैं नीचे जाती हूँ अपना काम ख़त्म करती हूँ, और पीछे जो ये हमारा स्टोर है स्टोर, तो इसको इग्नोर करिएगा, ये स्टोर रूम है हमारा। तो मैंने टमाटर काट लिए हैं, सब्ज़ी निकाल ली है, और प्याज भी मैंने फ्राई होने के लिए छोड़ दिए हैं, और गोभी और आलू बना रही हूँ आज मैं। और देखें सिंपल सी रेसिपी है मेरी आलू गोभी की। तो अभी मैं मनाल को स्कूल से लेने जा रही हूँ, रास्ते में जल्दी जल्दी मनाल के पास पहुँचूँ। तो मैंने मानो को स्कूल से ले लिया है, और मानो ये जा रही है अपनी ट्रॉली खींच के जल्दी से, थकी हुई है ये, ज़्यादा थकी हुई होती है मुझसे है ना, थकी हुई हो ना। तो ये आदमी पता नहीं क्यों सोया हुआ है यहाँ बेचारा, मर तो नहीं गया। तो फ्रेंड्स अभी मैं बनाने लगी हूँ मनाल की एक कहने पर चाट। मनाल कह रही है मुझे फ्रूट चाट बना के दो, तो मैं इन फ्रूट से मानो को चाट बना के दूंगी। और इसमें चाट मसाला है, और इसमें मैंने शुगर का पाउडर बना लिया है जो मैं चाट में डालूंगी। तो मैं जल्दी से चाट बनाती हूँ बच्चों के लिए, और फ्रूट चाट बन चुकी है, ये देखें मनाल खा रही है। कैसी बनी है मनाल, मज़े की बनी है। मदरसे का टाइम हो चुका है और ये रेडी हो रही है। मूथे पे क्या लगाया, और वो निकी निकी और बड़ी दोनों जा रही है, ये छोटी मेरा क्यों जूता लिया हुआ है, याद कर रही हो चार चार बार जो नहीं पढ़ा पढ़ के आई उसको पूरी छुट्टी टाइम तक खड़ा रखेंगे। तो चार तो पार पढ़ लो जल्दी जल्दी, दो दफा पढ़े, दो दफा चार दो बार और पढ़ लो। और ईशाल ये है, और ईशाल ने आज से मदरसे में सपारा पढ़ना है, और ये मनाल का बेटा जो है ये भी यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तो आज इसके बाबा ने बनाया है ब्रोस्ट, चिकन ब्रोस्ट बनाया है, और मानो भी खा रही है, इधर ईशाल भी खा रही है, और इनके बाबा भी खा रहे हैं। चटनी भी बनाई है ग्रीन, और यहाँ पे पार्टी हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है मानो, बताओ ना। ये हम हैं, ये हम हैं, ये हमारा खाने में यहाँ पे पार्टी हो रही। तो फ्रेंड्स सारे काम खत्म हो चुके हैं, खाना शाना खा लिया है हमने, और अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं अपने बिस्तर में आ गई हूँ। ये देखें मैं अपने बिस्तर में आ चुकी हूँ, और आज के व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। जिंदगी रही तो कल एक नई व्लॉग के साथ मिलूंगी, जब तक ने मुझे इजाज़त। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूला करें। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।